बढ़ते आगे और अब बात ईडी के एक्शन की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने आज सियासत को गर्मा दिया। अरोड़ा के साथ ही उनके दो सहयोगियों हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापे पड़े। हरियाणा के गुरुग्राम से लेकर पंजाब के लुधियाना तक में ईडी का एक्शन हुआ। करीब 16-17 जगहों पर छापेमारी की खबर आई। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई। आपके सांसद के खिलाफ ये मामला एक औद्योगिक प्लॉट को अवैध ढंग से अपनी कंपनी के नाम ट्रांसफर करने का है। ईडी के सेक्शन पर आम आदमी पार्टी भड़क उठी। दिल्ली की राजनीति में इससे माहौल गरमाया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं। प्रधानमंत्री सिर्फ एक काम कर रहे हैं, ईडी का सीबीआई का इस्तेमाल करके उसको जेल में डालो और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करो। संजीव अरोड़ा बहुत सारे चैरिटी के काम करते हैं, उनका गुनाह सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। कि अगर ईडी कहीं किसी की जांच कर रही है तो जरूर कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आर्थिक अपराध में आता है। वो चेहरा देख करके काम नहीं करती। आखिर आम आदमी पार्टी के ही नेताओं का क्यों हो रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।